इस एपिसोड के शुरुआत में सुई सियान से पूछती है कि तुम तो एक हफ्ते तक वापस नहीं आने वाले थे ना। तो सियान कहता है कि यहाँ पर भी मुझे एक ज़रूर काम था। सुई सियान से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ असिस्टेंट चेन नहीं आया है। तो सियान कहता है कि क्यों, तुम चेन से मिलना चाहती हो। तभी सुई सियान का पास आकर कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। लेकिन सियान इस बात का जवाब नहीं देता है। तभी सुई कहती है कि अगर बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं घर जाती हूँ। तभी सियान सुई को रोकता है और वो अपने साथ सुई को कार में लेकर चला जाता है। तभी सुई पूछती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। सियान कहता है कि हम स्टार्स देखने जाने वाले हैं। तभी सुई कहती है कि लेकिन मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हूँ। सियान कहता है कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया हूँ। इसके बाद दोनों एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। सुई सियान का प्रिपरेशन देकर पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हो। सियान कहता है कि हाँ। इसे सुनकर सुई बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर सीयू यू को न्यू ईयर का मैसेज कर रही होती है। यू सीयू का मैसेज को पढ़ रहा होता है। तभी यू का माँ खाना खाने के लिए बुलाने आ जाते हैं। तो यू सीयू को रिप्लाई नहीं करता है और वो अपने माँ के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ सियान और सुई अपने डिनर काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। जब ये दोनों अपने डिनर ख़त्म कर चुके होते हैं तो मैनेजर इनके पास आकर कहते हैं कि 12 बज चुका है, तो आप दोनों को बाहर टेरेस में चले जाना चाहिए ताकि आप फायरवर्क देख सके। सुई तो फायरवर्क देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जब ये दोनों फायरवर्क देखने के लिए बाहर आ गए होते हैं, बाहर आने के बाद सुई को ठंड लग रहा होता है, तो सियान उसको अपनी कोट के साथ कवर कर लेता है। यही पर सुई और सियान स्टार्स को देख रहे होते हैं। यही पर सुई सियान से कहने लगती है कि क्या तुम अब्रॉड में हर दिन स्टार्स देख रहे थे। सियान कहता है कि आज इनको देखकर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुई इसे सुनकर मुस्कुराने लगती है। दूसरे ओर शेन घर पर अकेले होती है और वो अपसेट दिख रही होती है। दूसरी तरफ गुहानजी अपने पापा के साथ सियान का घर पर आया होता है और शेन को कॉल करके पूछता है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर नहीं गए हो। तो शेन झूठ बोल देती है कि मैं अभी वापस आई हूँ। और वो गुहानजी से पूछने लगती है कि क्या तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो। गुहानजी कुछ कहने ही वाला होता है तभी सीयू गुहानजी को बुलाने के लिए आ जाती है। सीयू की आवाज़ सुनते ही शेन बाय कहकर कॉल कट करती है। अब 12 बजने वाला होता है तो सभी लोग विश मांग रहे होते हैं और 12 बजते ही यहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाता है और सुई और सियान फायरवर्क को काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। यही पर सियान सुई से कुछ कहने ही वाला होता है तभी सुई अपने विश को ज़ोर से बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ। जब सुई सियान को देखने लगती है और सियान कुछ कहने जा रहा होता है, इतने में यहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो कहती है कि मिस्टर सियान, आपने जो फ्लावर्स ऑर्डर किए थे वो आ गया है। तो सियान वेट्रेस से कहता है कि वो फ्लावर्स को मेरे पेरेंट्स का घर पर भेज दो। ये सुनकर सुई को बहुत अजीब लगती है और वो पूछती है कि ये फ्लावर्स तुमने अपने बहन को देने के लिए मंगवाए थे। तो सियान कहता है कि हाँ, उसको रोजेस बहुत पसंद है। और यहाँ पर सुई को रिग्रेट हो रहा होता है कि इसने सियान के साथ होते हुए भी सिर्फ अपने करियर के बारे में ही क्यों विश मांगी है। और वो सियान से पूछने लगती है कि तुमने क्या विश मांगी है। तो सियान कहता है कि मैंने भी यही विश मांगी है कि तुम डिजिटल मैगजीन को अपग्रेड करने में सक्सेसफुल हो। सुई कहती है कि मुझे अपने विश देने के लिए थैंक यू। ये दोनों यही पर अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं और यहाँ सियान ने अपने हाथ में एक कार्ड को पकड़ा होता है जो शायद वो सुई को देने वाला था। दूसरी ओर सीयू भी फायरवर्क को एंजॉय कर रही होती है और वो यू को मैसेज करती है कि क्या हम अगले बार फायरवर्क साथ में एंजॉय कर सकते हैं। यू क्वेश्चन का सिंबल भेजता है। रिप्लाई में सीयू कहती है कि मेरी मतलब ये है कि हम दोनों डेट कर सकते हैं। लेकिन यू उसको मैसेज करता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। इसे पढ़कर सीयू अपसेट हो जाती है। इसके बाद सीयू के पास उसकी माँ आती है
और वो कहने लगती है कि क्या तुमने अपने अंकल को न्यू ईयर का विश किए हो। सीयू कहती है कि मैं भूल गई थी, तो मैं अभी अंकल को मैसेज करती हूँ। जब सुई घर पहुँचती है तभी सुई सियान को आज के लिए थैंक्स कहकर अपने घर जा रही होती है, तो सियान सुई को रोककर हैप्पी न्यू ईयर कहता है। इसके बाद ए वहाँ से चला जाता है। फिर सुई सेन से बात कर रही होती, सेन कहती है कि सियान तुम्हें रोजेस नहीं दिया और तुम उसे कन्फेस करने के लिए तैयार हो। सुई कहती है कि हाँ, मैं हमारे बारे हर चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह कुछ कहे बगैर रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए आसान नहीं है। और शेन सुई को उसके विश के बारे में पूछती है, और जब सुई शेन को बताती है कि मैंने अपने करियर के बारे में विश मांगी थी, तो शेन भी इस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे इस तरफ की गलती कर सकती हो। फिर हम सीयू को देखते हैं जो यू से पूछ रही होती है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। इतने में सियान उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, हम लोग हॉर्स राइडिंग पर जाते हैं। सीयू कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। दूसरे और सुई और शेन भी हॉर्स राइडिंग के लिए आ गए होते हैं। गुहानजी सियान से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, और वो कहता है कि कुछ दिन पहले मैं एक टेम्पल पर गया था और वहाँ से एक गुड लक चेन लेकर आया हूँ। शियान इसको बहुत गौर से देख रहा होता है और इसके ऊपर लिखा होता है कि आप जो भी चाहते हो आपके पास आएगा। ये पढ़कर शियान कुछ सोच रहा होता है। इतने में वहाँ पर सुई और शेन आ जाते हैं। शेन यहाँ पर गुहानजी को देखकर रुक जाती है, और जैसे ही शियान सुई को देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है और वो लॉकेट को देख रहा होता है, क्योंकि इसने यही विश मांगा होता है। गुहानजी दोनों को यहाँ पर देखकर काफ़ी सरप्राइज हो रहा होता है, तो सुई कहने लगती है कि हम तो ऐसे ही यहाँ पर आए थे, लेकिन हमें नहीं पता है कि तुम दोनों भी यहाँ पर होगे, इसलिए अब हम वापस जाते हैं। तो गुहानजी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रेस कोर्ट बहुत बड़ा है, तो कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गुहानजी शेन से कहता है कि तुम यहाँ पर पहले बार आए हो, तो मैं तुम्हें रेस ऑर्स को दिखा देता हूँ। शेन गुहानजी के साथ चले जाती है और डायरेक्टर ई अंकल गुहान के साथ आ रहे होते हैं। यहीं पर डायरेक्टर ई सुई को देखकर रुक जाती है, तो अंकल गुहान कहने लगते हैं कि गुहानजी यहाँ पर अपने दोस्त को लेकर आया है, तो हमें चलकर उनको हेलो बोलना चाहिए। लेकिन ई सुई को देखकर वहाँ पर जाना नहीं चाहती है, और वो मिस्टर गुहान से कहने लगती है कि हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी मिस्टर गुहान कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तो हम कहीं और चलते हैं। सुई गुहानजी और शेन के साथ चली जाती है, जबकि शियान वहीं पर बैठा होता है। गुहानजी दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों को हॉर्स लेकर आता हूँ। दूसरे और शियान बैठकर ए देखने के लिए कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ए लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। गुहानजी शेन से कहता है कि ए ऑर्स बचपन से ही मेरा फेवरेट है और मैं खास करके इसको तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। गुहानजी उन दोनों से कहता है कि तुम लोग पहले जाकर ड्रेस चेंज कर लो। शियान सुई के पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो सुई कहती है कि ये तुम्हारा रेस कोर्ट तो नहीं है ना। तभी सियान कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहीं पर आने से रोक सकता हूँ। गुहानजी कहता है कि तुम्हारा ये जोक वाकई में अच्छा था, और कहने लगता है कि सुई शेन की दोस्त है तो ये मेरे भी दोस्त है। गुहानजी अब सुई और शेन से कहता है कि मैं तुम लोगों को ड्रेसिंग रूम तक लेकर जाता हूँ। जाते वक्त सुई सियान को इग्नोर करके दोनों के साथ चली जाती है। फिर शेन सुई से पूछती है कि आखिर तुम सियान के साथ क्या कर रही थी, तो सुई कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसको क्या हुआ है। शेन कहती है कि लेकिन मैं देख सकती हूँ कि सियान तुम्हारी बहुत केयर करता है। सियान उनके पीछे खड़े होकर उनके बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। जब सियान ड्रेसिंग रूम के अंदर आता है, वो सुई और शेन को उसके बारे में बातें करते हुए सुनने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गुहानजी शेन को बुलाने के लिए वह आता है, तो शेन को पता चल जाता है कि बाहर खड़ा कोई इनके बात सुन रहे हैं।
जब शिन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है तो वो सुई से कहने लगती है कि मैं शियान को जाकर सारी बात क्लियर कर देती हूँ। सुई कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो मुझसे खुद ही बात कर लेगा और वो इन मामले का एक्सप्लेन मांगेगा, तो ऐसा इंसान को कुछ भी एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। शेन कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाओगे। तो सुई कहने लगती है कि हम अभी अभी मिले हैं और मैं भी उसको अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ, ना ही मैं उसको अच्छे से जान पा रही हूँ। शेन जैसे ही अपना कर्टेन पीछे करती है तो वो शियान को सामने देखती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन शियान उसे मना कर देता है। इसके बाद शेन बाहर आती है, दूसरी ओर सुई बेल्ट बांध रही होती है। तभी शियान वहां पर आकर सुई की बेल्ट को बांधने लगता है और सुई को हग करके कहने लगता है कि कल तुमने मैसेज की थी कि मैं स्ट्रेंज क्यों लग रहा था। यही पर सुई तो शॉक में होती है। शियान पूछता है कि तुम जवाब नहीं दोगी। तभी सुई शियान को देखने लगती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। फिर शियान भी यहाँ से चला जाता है। दूसरे ओर गुहानजी और शेन राइड कर रहे होते हैं। फिर सुई रेडी होकर आ गई होती है। तभी शियान इसके पास हॉर्स लेकर आ रहा होता है तो सुई को अपने पिछले एक्सपीरियंस याद आ रहा होता है। शियान इसको बैठने के लिए कहता है तो सुई कहती है कि मैं आज सिर्फ देखने के लिए आई हूँ। शियान कहता है कि क्या तुम खुद बैठोगे या मैं तुम्हें हॉर्स पर बैठाऊं। तभी सुई हॉर्स पर बैठ जाती है लेकिन इस बार शियान आराम से हॉर्स को चलाता है। लेकिन यहीं पर सुई बहुत अकवर्ड फील कर रही होती है क्योंकि शियान ने काफी देर से कोई बात नहीं किया होता है। दूसरे ओर गुहानजी और शेन सनसेट एंजॉय कर रहे होते हैं। शियान और सुई एक जगह बैठे होते हैं। सुई कहने लगती है कि आज का राइड पिछले राइड से काफी अच्छी थी। शियान कहने लगता है कि उस टाइम तुम मुझे इंटरव्यू के लिए चेस कर रहे थे तो मैं तुम्हें भगाने का कोशिश कर रहा था। सुई कहती है कि पहले मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए चेस कर रही थी क्योंकि वो इंटरव्यू मेरे लिए बहुत खास थी। तभी शियान सुई से पूछता है कि फिर तुम अब क्या सोचती हो।